पेश है इजुसा डायमंड ज्वेलरी, उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इजुसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए, कॉल नाउ 1-800-532-8444। राजस्व गांव में भूमि के निपटारे के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में तैनात लेखपाल राजस्व के काम को छोड़कर अब वन विभाग के कार्य को शुरू कर दिए हैं। पूरा मामला आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील के गंजोर गांव का है, जहां के दबंग लेखपाल ने शमशान की जमीन पर हरे शीशम के कीमती पुराने पेड़ों को अपनी दबंगई के बल पर कटवा दिया। ग्रामीणों के विरोध के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के गंजोर गांव के किनारे स्थित शमशान घाट पर शुक्रवार की सुबह गांव के लेखपाल सुजीत यादव पेड़ काटने वाले कुछ लोगों के साथ पहुंचा था और शीशम के पुराने कीमती पेड़ों को जबरन कटवाने लगा। इसकी भनक जैसे ही ग्रामीणों को लगी, मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और पेड़ की कटान को रोक दिया, जिस पर लेखपाल ने ग्रामीणों को सरकारी कार में बाधा पहुंचने के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसी बीच ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि एक हरे पेड़ शीशम के कटे थे। पुलिस ने जब लेखपाल से पेड़ काटे जाने की परमिशन दिखाने को कहा तो उसके बाद कोई कागजात नहीं मिले। पुलिस ने पेड़ की कटान को बंद करा दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल काफी दबंग है, वह सरकार की योजनाओं को भी पलीता लगा रहा है। आज उसी कड़ी में उसने शमशान घाट की जमीन पर लगे पेड़ को कटवा रहा था। ग्रामीणों ने मांग की कि लेखपाल को जल्द से जल्द ग्राम सभा से हटाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकारी संपत्ति सरकारी जगह पर शीशम का पेड़ था, सुजीत कुमार यादव लेखपाल है जो कटवा रहा था बिना प्रधान के अनुमति के, और ये सरकार के मंशा के विपरीत काम करता है। जो भी सरकार की योजना आती है उसके अलग ही अपनी योजना चला के काम करता रहता है। ये हमेशा से गलत आदमी है, इसको इस गांव से हटा दिया जाए, गांव वालों की यही मंशा है। ये सरकार की जितनी योजना आती है उसके विपरीत में काम करता रहता है, गाँव के लोगों को भड़काता है, आपस में लड़ाता है। ये इस लेखपाल का काम है, इसको इस गांव से हटाया जाए या सस्पेंड मुअत्तल किया जाए, ये सरकारी काम करने की योग्य नहीं है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।